जय हिंद बच्चों, चलिए देखते हैं इस मैथ प्रैक्टिस सीरीज को जो बहुत ही महत्वपूर्ण है आपके एग्जाम के दृष्टिकोण से। बनारस एवं इलाहाबाद के तीर्थ यात्रा कर की समाप्ति के लिए किसने मुगल बादशाह के सामने बनारस के पंडितों का नेतृत्व किया था? ए है हरनाथ, बी है जगन्नाथ, सी है कविंद्राचार्य और डी है कवि हरिराम। तो भैया यहाँ पर आपका ऑप्शन सी जो है बिल्कुल राइट आंसर है, कविंद्राचार्य। तो चलिए हम लोग चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। क्वेश्चन नंबर दो क्या कह रहा है इसको भी देखते हैं। निम्नलिखित में से किस वंश ने सर्वप्रथम अकबर के साथ वैवाहिक संबंध स्थापित किया था? ए है बुंदेलों से, बी है कछवाहों से और सी है राठौड़ों से और डी है आपका सिसोदियों से। तो निम्नलिखित में से किस वंश ने सर्वप्रथम अकबर के साथ वैवाहिक संबंध स्थापित किया था? यहाँ पर आपका हो जाएगा कछवाहों से। तो चलिए भैया कछवाहों ने। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर तीन। निम्नलिखित में से किस मुस्लिम शासक ने तीर्थ यात्रा कर समाप्त कर दिया था? पहला ऑप्शन है बहलोल लोदी, बी है शेरशाह, सी हुमायूं और डी है अकबर। तो भैया यहां पर आपका चौथा ऑप्शन जो है अकबर जो है यहां पर बिल्कुल राइट आंसर है। तो चलिए हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर चार की ओर। निम्नलिखित बादशाहों में से किसको एक प्रबुद्ध निरंकुश कहा जा सकता है? ए है बाबर, बी है हुमायूं, सी है अकबर और डी है औरंगजेब। तो मेरे पास जो क्वेश्चन नंबर चार का जो सही जवाब है तो वो आपका है अकबर। तो चलिए हम लोग चलेंगे अगले प्रश्न की ओर, क्वेश्चन नंबर पांच। क्वेश्चन नंबर पांच क्या है? वह मुगल सम्राट जिसके जीवन से धैर्य व संकल्प से सफलता की शिक्षा मिलती है, यह है जहरुद्दीन मोहम्मद बाबर और बी है नसरुद्दीन मोहम्मद हुमायूं और सी है जलालुद्दीन मोहम्मद अकबर और डी है अब्दुल मुजफ्फर मुहीउद्दीन औरंगजेब। तो भैया यहां पर आपका सही जवाब क्या है? तो आपका ऑप्शन जो है जहरुद्दीन मोहम्मद बाबर यहां पर बिल्कुल राइट आंसर है। तो चलिए मित्र बच्चों अगला प्रश्न, क्वेश्चन नंबर छह। बाबर ने अपने बाबरनामा में किस हिंदू राजवंश का उल्लेख किया था? ए है उड़ीसा, बी है गुजरात, सी है मेवाड़ और डी है कश्मीर। तो मेरे प्यारे बच्चों इसका जो सही जवाब है वो है आपका ऑप्शन सी अर्थात मेवाड़, यहां पर बिल्कुल राइट आंसर है। तो आप कहेंगे सर जी क्वेश्चन नंबर 6 का ऑप्शन सी जो है बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन है। चलिए हम लोग चलते हैं अगले प्रश्न की ओर, क्वेश्चन नंबर 7। यहां पर क्या है? निम्नलिखित मध्ययुगीन शासकों में से कौन एक उच्च शिक्षित था? तो यहां पर ए है बलबन, बी है अलाउद्दीन खिलजी, सी है इब्राहिम लोदी और डी है शेरशाह सूरी। तो भैया यहां पर आपका शेरशाह सूरी जो है बिल्कुल राइट आंसर है। अगले प्रश्न की ओर चलेंगे, अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। मुगल कालीन प्रशासन में परगना किसे कहते हैं? ए है कई गांव के समूह को, बी है जिलों को, सी है प्रांतों को और डी है मात्र एक गांव को। तो मेरे बच्चों यहां पर आपका सही जवाब क्या है? कई गांव के समूह को परगना कहा गया है। तो ठीक है, तो चलिए अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9। मुगल काल में निम्नलिखित में से किस महिला ने ऐतिहासिक विवरण लिखे हैं? ए है गुलबदन बेगम ने, बी आपका है नूरजहां बेगम ने, सी है जहां आरा बेगम ने और डी है जेबुनी सा बेगम। तो यहां पर गुलबदन बेगम जो है बिल्कुल राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9 के बाद 10। अकबर के शासनकाल में ध्रुपद गायकों में सम्मिलित थे, ए है तानसेन, बी है हरिदास, सी है सूरदास और डी है आपका बिलास खान। तो भैया यहां पर आपका पहला और दूसरा जो है बिल्कुल राइट आंसर होगा, तानसेन और हरिदास। ठीक है, तो यहां पर सूरदास और बिलास खान नहीं थे, इसलिए यहां पर देख लेते हैं आपका कोड जो है कौन सा दिया गया है, पहला और दूसरा अर्थात ये बिल्कुल राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन, नस्तालीक है एक प्रकार की फारसी लिपि जो मध्यकालीन भारत में प्रयुक्त होती थी, बी है एक राग जिसकी रचना तानसेन ने की थी, सी है मुगल शासकों द्वारा उद्ग्रहित उपकरण और डी है उलेमाओं के लिए एक आचार संहिता। तो मेरे बच्चों यहां पर आपका ऑप्शन ए जो है बिल्कुल राइट आंसर है, एक प्रकार की फारसी लिपि जो मध्यकालीन भारत में प्रयुक्त होती थी। तो मेरे बच्चों इस प्रैक्टिस सीरीज से ये आपके थे महत्वपूर्ण प्रश्न जो आपके एग्जाम के दृष्टिकोण से बनाए गए थे।